देश के कई इलाकों में बारिश के बाद ठंड का आगाज हो चुका है। वहीं दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अब भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले दो दिनों हल्की धुंध की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक केरल में 23 और 24 अक्टूबर तो बारिश का अनुमान है, तो वहीं मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में 24 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पारा और नीचे गिरेगा। वहीं शुक्रवार को दिल्ली NCR का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 16 डिग्री दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें, शुक्रवार की सुबह AQI 260 दर्ज किया है। मालूम हो कि अगर AQI 0 से 50 के बीच हो तो इसका मतलब एयर क्वालिटी अच्छी है। वहीं 50 से 100 के बीच हो तो हम इसे संतोषजनक कह सकते हैं। इसके अलावा 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब श्रेणी में आता है। 301 से 400 के बीच स्थिति खराब मानी जाती है, तो 401 से 500 के बीच एयर क्वालिटी का स्तर गंभीर माना जाता है। आइए बताते हैं आज कैसा रहेगा मौसम। इसके अलावा आज राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बारिश के साथ हवाएं चलने का अनुमान है, जिसके बाद ठंड और बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगा है। यहाँ दिन के समय में मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन सुबह के वक्त हल्की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 21 अक्टूबर को यूपी के सभी जिलों में मौसम शुष्क ही रहेगा। इसके साथ ही केरल और लक्षद्वीप में आज हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है और तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम और पूर्वांचल पैच और पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश की संभावना है।